वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बॉडी केयर रूटीन, उसके साथ ही साथ दिस मेकअप लुक। मैंने आप लोगों के साथ स्किन केयर के बारे में काफी सारे प्रोडक्ट्स शेयर भी किया है, बट स्किन केयर के साथ ही साथ बॉडी केयर भी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मेरे पास है गुड वाइब्स की तरफ से टोटल 3 प्रोडक्ट्स। नंबर 1 गुड वाइब्स आइस क्रश शावर जेल, इसमें है मिंट। गाइस, गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स में पैराबीन, मिनरल ऑयल कुछ भी नहीं होता है और एनिमल टेस्टेड भी नहीं होता है, और उसके साथ ही ये वेगन, व्हिच इज अमेजिंग। सबसे पहले पैकेजिंग देख लो, क्लियर बोतल में है ये, और यहाँ से प्रोडक्ट निकलता है लाइक दिस। ये बहुत ही ज्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है और प्रोडक्ट भी वेस्ट नहीं होता है, व्हिच इज अमेजिंग। अगर मैं बात करूँ इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें है मिंट, आपके स्किन से डार्ट को रिमूव करता है और आपकी स्किन को बनाता है रिज्यूविनेटिंग। ये आपके स्किन को एक रिलैक्सिंग स्पा की तरह काम करता है और आपकी इरिटेटेड स्किन को काम रखता है। तो चलिए इसे अप्लाई कैसे करते हैं देख लेते हैं। गाइस, आपके वेट बॉडी में ही अप्लाई करना है, थोड़ा सा अमाउंट में लेना है और हल्के हाथों से रब करना है, और थोड़ी देर बाद आप लूफा की मदद से थोड़ा सा स्क्रब भी कर सकते हो, और उसके बाद आपको धो लेना है। इसमें आपको मिले 300 ml प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का प्राइस ओनली 249 rupees। मेरे पास और एक शावर जेल है गुड वाइब्स की तरफ से, व्हिच इज मेरिन एल्गी शावर जेल। अब पैकेजिंग देख लो, सेम तरह का पैकेजिंग है, क्लियर बोतल है, उसके साथ ऐसे प्रोडक्ट निकलता है, स्ट्रॉबेरी फ्रेंडली प्रोडक्ट वेस्ट भी नहीं होता है। गाइस, गुड वाइब्स के प्रोडक्ट में पैराबीन, मिनरल ऑयल नहीं होता है, उसके साथ साथ ये एनिमल टेस्टेड भी नहीं है और ये है वेगन। अगर मैं मेन इनपुट की बात करूँ, तो इसमें मेरिन एल्गी जो क्या करता है कि आपके स्किन को सूद्ध रखता है, आपके स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है और आपके स्किन को बनाता है हेल्दी एंड ग्लोइंग। ये आपके स्किन को बहुत अच्छे से रिफ्रेश करता है। इसमें रिच इन मिनरल्स जो आपके स्किन को बहुत अच्छे से नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। तो गाइस, सबको अप्लाई कैसे करना है, बॉडी वेट होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा अमाउंट में ये जेल ले और हल्के हाथों से मसाज करें। आप लूफा भी यूज कर सकते हो, उसके बाद आपको ये धो लेना है। इसमें आपको मिल रहा है सेम 300 ml प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का प्राइस ओनली 249 rupees। शावर जेल के बाद मेरे पास और एक प्रोडक्ट है, व्हिच इज गुड वाइब्स वाइड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लोशन, जिसमें SPF 50, व्हिच इज अमेजिंग। SPF 50 बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए, और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा। एलोवेरा क्या करता है, ये आपके स्किन को बहुत से हाइड्रेट करता है, उसके साथ साथ स्किन को सूद रखता है। अगर आपके स्किन में रेडनेस, इचनेस कुछ हो गया है, तो उसे ये ठीक करता है। ये सनस्क्रीन प्रोटेक्ट करता है आपके स्किन को हार्मफुल यूवी रेज से, यूवी ए यूवी बी से। इसमें पैराबेन नहीं है और ये वेगन, व्हिच इज अमेजिंग। तो चलिए गाइस, इसे अप्लाई कैसे करते हैं देख लेते हैं। गाइस, आपको थोड़ा सा अमाउंट में ये लेना है और हल्के हाथों से बॉडी में मसाज करना है। आपको बाहर जाने के 15-20 मिनट पहले आपको इसे अप्लाई करना है। इसमें आपको मिल रहा 120 ml प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का प्राइस ओनली 260 rupees। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक डाल दिया, तो मेक श्योर आप मेरे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो चलिए आप मेकअप लुक देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज करूंगी फाउंडेशन और ब्रश की मदद से, बहुत अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूंगी, क्योंकि ब्लेंड बहुत ही ज्यादा। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मैं यूज करूंगी कॉन्सीलर अंडर आईज में, और जहाँ पे भी डार्क स्पॉट्स है वहाँ पे मैं अप्लाई करूंगी, और ब्रश की मदद से बहुत अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूंगी। उसके बाद मैं ब्लश को थोड़ा सा ब्लेंड कर लूंगी। ये है सीरम ब्लश। सीरम ब्लश आपको नेचुरल लुक देता है। आईज में मैं काफी ज्यादा हेवी लुक करने वाली हूँ, दैट्स वाई मैं यहाँ पे सीरम ब्लश लिया है। अंडर आईज को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे पाउडर यूज कर रही हूँ। उसके बाद मैं ग्रीन आई शेडो यूज करूंगी मैं अपने आईलिड पे, और बहुत अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूंगी। नेक्स्ट विंग लाइन बनाने के लिए मैं यहाँ पे आईलाइनर यूज कर रही हूँ। ब्लू कलर के अंडर वाइटर लाइन मैंने यूज कर लिया है। फेस को कंटूर करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंटूरिंग पाउडर यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने ब्राउन बोन को हाईलाइट कर लिया है। लास्ट में मैं अप्लाई करूंगी लिपस्टिक, और मैं ना लिप्स को थोड़ा सा ग्लॉसी लुक देना चाहती हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग लास्ट में ये लिप ग्लॉस। एंड गाइस, दिस इज माय फाइनल लुक। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरे और वीडियोस को देखने के लिए आप पर क्लिक करें।